लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में देर रात एक सिपाही को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको इलाज के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां घायल पुलिसकर्मी के इलाज को लेकर मरीज के साथ आए पुलिसकर्मी हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर से उलझ गए, जिसके चलते डॉक्टर और स्टाफ ने इमरजेंसी सेवा को रोक दिया और बाद में पुलिस अधिकारी और सीएमएस ने मामले को साधते हुए रफा दफा किया। मामला फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का है, जहां देर रात्रि अमित नाम का सिपाही घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर उपचार हेतु लाया गया था। अमित पुलिस लाइन में सिपाही है और वहीं उसका देर रात्रि एक्सीडेंट हो गया था। सिपाही की हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर करने की बात कही, जिससे सिपाहियों को यह बात नागवार गुजरी। बस इतनी सी बात को लेकर ही घायल के साथ आए अन्य पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों ने कहा कि उन लोगों में कहासुनी भी हो गई है, जिसके चलते हॉस्पिटल में अफरातफरी का माहौल बन गया और स्टाफ और डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर छोड़कर बाहर भागने को मजबूर हो गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरके पांडे भी देर रात्रि में ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और अपने कर्मचारियों के पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जिनके चलते सीओ शिकोहाबाद अजय चौहान भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद स्टाफ और डॉक्टर अपने कार्य पर पहुंचे। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? नेहा। नेहा जी, आप यहाँ कितनी देर से बैठे हैं? अभी 10-15 मिनट तो हमें आए हुए हो गए, लेकिन हॉस्पिटल तो पहले से ही खाली है। खाली है पूरा? हाँ। क्या मामला हुआ है पूरा? कोई डॉक्टर या कंपाउंडर कोई भी नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं है। मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, इनको अंकल जी को पता होगा। अच्छा, यहाँ आप कितनी देर से बैठे हैं? मैं 20-25 मिनट तो हो गए। क्या मामला हुआ है पूरा? मेरे साथ, मैंने अपने ससुराल में जाने की कोशिश की थी तो मेरे जेठ ने और मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा है और गेट में मेरा पैर फंस गया था, तो उन्होंने पता नहीं किसी चीज़ से काट दिया है पैर और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, सर तो में भी मारा है। मेडिकल कराने हैं? यस भैया। कोई डॉक्टर मौजूद नहीं? नहीं, अभी कोई नहीं है। एक हंगामा हुआ, अभी किस बात को लेकर हुआ, क्या पूरा मामला है? मामला है, अभी 10:20 पर लगभग एक पुलिस वाले का एक्सीडेंट होकर यहाँ लेकर आए थे, साथ में 10-12 पुलिस वाले थे, जिसमें उसको हेड इंजरी हो रखी थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो रखी थी, उसको हमने तुरंत जो है ऑक्सीजन लगवाई, उसको ट्रीटमेंट दिया और फिर यहाँ पे जो है उनके साथ वालों ने, शायद जो भी रहा हो उनके साथ वालों ने, यहाँ हंगामा शुरू कर दिया। चिकित्सालय में आपका पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सक मौजूद नहीं थे, क्या कारण था? करीब 1.5-2 घंटे की स्थिति रही। देखिए, अभी एक जो है सिपाही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, पुलिस लाइन से यहाँ पर लाए गए थे वो, और उनको यहाँ पर जो है जो चिकित्सक ड्यूटी पे थे डॉक्टर सिद्धार्थ यादव और समस्त स्टाफ, उन्होंने उनका उपचार किया और जो सर्जन थे ड्यूटी पे उनको, सर्जन को कॉल की, लेकिन उनके संग में कुछ और भी लोग थे जो कि पुलिस की ड्रेस में ही थे, तो वो लोग यहाँ पर उधम मचाने लगे और स्टाफ के संग में बदतमीजी करने लगे, तो स्टाफ भयभीत होकर वहाँ से हट गया। वो लोग उस मरीज़ को जो है ट्रॉमा सेंटर ले गए थे, जब तक हमारे सर्जन आए तो सर्जन ने देखा कि वो इस समय वहाँ से ट्रॉमा सेंटर ले गए थे, चूँकि यहाँ पर भय का माहौल उत्पन्न हो गया था, इसलिए समस्त चिकित्सक था यहीं पे, एक तरफ को हट गया था, वो एक तरफ खड़ा हो गया था ताकि उनके संग में कोई दुर्घटना ना हो जाए। किस तरह हम लोगों ने उच्चाधिकारियों को खबर दी, तत्काली हमारे सीओ साहब यहाँ पर आए पुलिस लाइन से और जिन्होंने स्थिति को तुरंत ही नियंत्रण में ले लिया और इसके बाद उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का हम लोगों को आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को पूरा गहनता से देखेंगे कि किसकी गलती है, किसने इस तरह की हरकत की है, तो हमें चूँकि सीओ साहब आ गए हैं और उन्होंने सारी चीज़ों को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया है, कोई परेशानी इस तरह की नहीं है, सभी कर्मचारी अपने अपने स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में पुलिस चौकी बनी हुई है जी, उसमें बाकायदा काफ़ी जगह भी है और काफ़ी पुलिसकर्मी भी तैनात है जी। आज ये महसूस हुआ कि एक पुलिसकर्मी थे, उन्होंने वाकई में बहुत सराहनीय काम किया, उन्होंने संभाला, उन बच्चों को समझाया, नई उम्र के लड़के थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर और पुलिसकर्मी भी होते, पर्याप्त जो चौकी पर तैनात हैं, सभी लोग होते तो ये स्थिति की उत्पन्न नहीं होती। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम बताएं, पुलिस चौकी में निर्धारित सीमा में सीमित मात्रा में ही पुलिस वाले रहते हैं और यदि बड़ी संख्या में लोग बवाल करने आ जाएं तो आवश्यक पुलिस बल थाने से बुलाया जाता है, तो उसमें जो है संख्या को बढ़ाना ना बढ़ाना वो हम लोगों के बस की बात नहीं है, वो कप्तान साहब का निर्णय होता है, निर्धारित मानकों के अनुसार ही सिपाहियों की और दरोगा की तैनाती की जाती है
और ऐसा नहीं है कि एक चौकी पे थाने के बराबर फोर्स दे दिया जाए, उसी के हिसाब से कार्य किया जाता है और वो लोग संभालने में सक्षम होते हैं क्योंकि पुलिस का तो भय काफी होता है। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में बेहतर सुविधाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर दयानंद जैन मेमोरियल हॉस्पिटल, यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के रोगों के लिए काय चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध, फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध, ऑपरेशन सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, गर्भपात की सुविधा, कॉल्पोस्कोपी, फ्रीडम 5, कॉपर टी की सुविधा, नेबुलाइजर की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, हिस्टेरेक्टमी सुविधा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर बीना जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, डॉक्टर शिखा जैन, पता जैन नगर फिरोजाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 8439827781।